हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नॉलेज। आज की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है पीजीसीएल की तरफ से। पीजीसीएल मींस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये रिक्रूटमेंट खास करके फ्रेशर्स के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है। डिप्लोमा ट्रेनी की यहाँ पर जॉब रहने वाली है। इसके दौरान आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। स्टाइफंड के तौर पर आपको 27,500 पर मंथ मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कितनी पोस्ट है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की जॉब के लिए यहाँ पर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डेट आपको दी गई है। स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये 24 मई से। लास्ट डेट आपको दी गई है 15 जून तक, यानी तब तक आपको अप्लाई कर देना है। वैकेंसी की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के यहाँ पर 30 पोस्ट हैं एंड सिविल वालों के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम देखें तो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, और आप सिविल में हैं तो सिविल में डिप्लोमा पूरा किया होना चाहिए। मिनिमम आपको 70% मार्क्स होने चाहिए। और एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है। जनरल वालों के लिए यहाँ पर है 27 ईयर, OBC वालों के लिए यहाँ पर है 30 ईयर्स एंड फॉर ST 32 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस आपके यहाँ पर सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट होगी या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर दी गई है 300 रुपये। सैलरी आपकी यहाँ पर स्टाइफन के तौर पर रहने वाली है 27,500 पर मंथ। इसके बाद आपकी पोस्टिंग जूनियर इंजीनियर की तौर पर होगी और इसके बाद आपकी सैलरी होगी 25,000 से लेकर 1,70,500 तक। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसके बाद साथ आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ये पावर ग्रिड की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ गई है। इम्पोर्टेंट कुछ गाइडलाइन दी गई है, यह आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके नीचे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो आपको एप्लीकेशंस फिलअप करने के लिए लगेंगे। इसके नीचे आपको पोस्ट अप्लाई फॉर ये लिखा हुआ है। इसके नीचे आपको ये दोनों में से सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर सिविल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्शन, यहाँ पर आप एलिजिबल है तो यस या फिर नो लिखिएगा। PWD डिटेल मीन्स आप डिसेबिलिटी, यस या नो। इंटरनल कैंडिडेट डिटेल्स, यहाँ पर अगर आप पावर ग्रिड एम्प्लॉय है तो यहाँ पर यस या नो लिखिए। मेलिंग एड्रेस में आपको अपना एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड डालना है। इसके अलावा आपको कॉन्टेक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस भी डालना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा वाले हैं इसलिए डिप्लोमा सिलेक्ट करना है। इसके आपको लास्ट ईयर के मार्क्स डालने हैं। इसके बाद डिसिप्लिन में आपको सिविल इंजीनियरिंग भी रहेगा और CGPA आपका जो भी लास्ट मार्क्सशीट में है। डिवीज़न आपको यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3 जो भी आपको मिला हुआ है। यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर डालना है और इसके साथ इंस्टीट्यूट का भी नाम भी डालना है। ट्रांसपेरेंसी और रिलेशनशिप डिक्लेरेशन, यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग ऑन द एम्प्लॉयड इन पावर ग्रिड। अगर आपका कोई रिलेटिव इसमें जॉब कर रहा है तो इसमें येस या नो करें। इसके बाद आपको कंटिन्यूस पे क्लिक करना है और इसी के साथ आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा।